साथियों, तो हम खड़े हैं आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करहरा, राम मंदिर के गेट के बाहर। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष भदौरी है, कहाँ से आए भैया आप? ग्वालियर से। हाँ, ग्वालियर से आए हैं। तो आज ही थी आपकी रनिंग, कल थी? आज आज रनिंग हुई थी। अच्छा, कितने बजे एंट्री की थी आपने? हमने करी थी 4 बजे एंट्री। 4 बजे एंट्री। तो आप तो फर्स्ट बैच में दौड़े होंगे, नहीं, हमारा सेकंड सेकंड बैच? बैच बना अच्छा, था। पहला फर्स्ट बैच कितने बजे दौड़ रहा है? 7 बजे। 7 बजे के और लगभग। सेकंड वाला? 8 बजे हमारा 8 बजे। जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट हाइट और चेस्ट को लेके आ रहे हैं, तो हाइट अगर किसी की 169 है तो हाइट में नहीं, वो छोड़ रहे हैं, सबको फेल कर रहा सबको है, फेल कर रहा हाइट में फेल कर रहा है, चेस्ट में छोड़ देते हैं, चेस्ट में पास कर देते हैं। अच्छा, 2 सेंटीमीटर ऊपर चल जाता है पास चेस्ट कर में। देते हैं। चेस्ट हाइट में पास में अगर कर 0.5 है तब फिर भी फेल फेल कर कर रहा है। और उसके बाद आपका वेट में किसी को वेट नहीं कर में रहे? सबको पास पास। आप सब लोग ग्वालियर से ही आए? हाँ, सब ग्वालियर। अच्छा, वेट में भी किसी को नहीं कर रहे? ईडब्ल्यूएस वाले होंगे आप? हाँ। तो ये हिंदी इंग्लिश का क्या चक्कर है? अरे जो इंग्लिश वाला है वो स्टेट है, 1200 है उसमें स्क्वायर फुट घर, और जो अपना इंग्लिश वाला इंग्लिश वाला मान वाला चल रहा है वो। अच्छा, हिंदी वाला मान नहीं कर रहा है? हिंदी वाला स्टेट है, हिंदी वाला मान नहीं कर रहा है ना? और ये डेट का क्या चक्कर है? डेट वो देख नहीं रहा, नया हो वो भी चल रहा है, नया वो भी ले रहा है, पर इंग्लिश का होना चाहिए, इंग्लिश का होना चाहिए, इंग्लिश का नया हो वो भी चल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जब क्रूशियल डेट नहीं देख रहे हैं वो, क्रूशियल डेट नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो ट्रैक के बारे में क्या कहेंगे? ट्रैक बढ़िया है, बढ़िया है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसकी निकल रही है। हाँ, जिसकी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, तो बहुत मुश्किल है। अगर चलते रहो पास हो जाओ। वॉच तो पहनने नहीं दे रहे? नहीं, नहीं। अच्छा, तो टाइमिंग वगैरह बता रहे हैं? वो नहीं, पानी यानी सब कुछ मिलना, टाइम हौसला बढ़ाते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, पानी यानी सब कुछ देते, दौड़ते रहो बस। अच्छा, बोलना है कि जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहीं पे थोड़ी घाटी टाइप की है, थोड़ी जगह, लेकिन घाटी है तो फिर ढलान भी है, ढलान भी है, फायदा हो जाता है, वो तो फायदा ही दोनों टाइम बैलेंस हो जाता है। अच्छा, और डिस्टेंस के लिए कोई बोर्ड वगैरह लगा? हाँ, लिखे साइड में कि अभी आप इतनी कवर कर रहे हैं, इतना कवर है, इतना। बाकी बहुत से बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, नंगे पैर का क्या कहेंगे आप? नंगे पैर मत दौड़ो, नहीं अच्छा नहीं, नंगे पैर के लिए अच्छा नहीं, जूते पहन के दौड़ो, जूते पहन के दौड़ो, क्योंकि कंकड़ है तो चल जाएंगे। अच्छा, और जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया, ईडब्ल्यूएस के टोटल डॉक्यूमेंट कितने लग रहे हैं? वही 5-6। तो आधार कार्ड, टेंट की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस वाला और डोमेसाइल, बस यही सब कुछ। और जैसे किसी के, जैसे पिताजी के नाम में, जैसे किसी के में सी लगा है मार्कशीट में और मतलब जो फॉर्म भरा है उसमें सी नहीं है, या आधार कार्ड में सी है और आपने फॉर्म भरा उसमें सी नहीं है, तो उसका कुछ ऐसे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवा रहे हैं? लिखवा रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखवा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं कर रहे हैं। एफिडेविट मान कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं 4 दिन का, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 4-5 दिन का, टाइम एक हफ्ते तक भी टाइम दे रहे हैं वो। और जैसे किसी का एमपी पुलिस का फिजिकल है या किसी को कोई तबीयत खराब है, तो डेट बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं, एप्लीकेशन लिख के लाओ। अच्छा, उसी दिन की एक दो दिन पहले आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब एप्लीकेशन किस आधार पर लिखनी, मतलब क्या किसी से रीजन लेना? खुद लिख के दे दो, रीजन लिख के साइन लेकर के आओ कि हाँ ये सही में बीमार है। अच्छा, डॉक्टर के साथ आना और फिजिकल एडमिट कार्ड ले आ। हमारे में आज ग्रुप में एक बच्चे के डॉक्यूमेंट सारे खो गए थे, तो उससे बोल दिया कि एक हफ्ते बाद आओ, और वो FIR करवा के लाया था कि FIR गायब हो गया, किसी ने ले ली, चोरी हो गया, चोरी हो गए थे, तो उसको टाइम दे दिया एक हफ्ते का। आपका ब्लड यूरिन अभी नहीं हुआ? इनका हो गया है, इनका ब्लड यूरिन, अच्छा, ब्लड यूरिन हो गया। हाँ। तो अभी उसका रिजल्ट बारे में बताया नहीं होगा कुछ? कल मिले। अच्छा, कल मिले। और जो नए बंदे आने वाले उनसे क्या कहोगे? वो काफी जैसे घबराए हुए हैं। कोई घबराना नहीं है, अब से फालतू की टैबलेट नहीं लेना, टैबलेट के लिए मना कर रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिस करके आओ, बड़ी निकल जाए, दौड़ रुकना नहीं है बस। जैसे टैबलेट वगैरह तो जैसे डेली कोई ना कोई तो ले ही रहा होगा मना करने के, वो गिर रहे हैं चक्कर खा कर। अच्छा, गिर रहे हैं चक्कर खा, एम्बुलेंस में जो लेट लेट के जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, मतलब क्या सलाह देना चाहोगे? एक एडवाइस अगर आपसे पूछा जाए तो यही है कि सुबह जल्दी एंट्री कर लो, सुबह जल्दी पहले बैच में लग जाओ, जल्दी आ जाओ, 3 बजे बैठ जाओ यहाँ पहले बैच के लिए, और डॉक्यूमेंट पूरे ले गया, और बढ़िया जूते पहन के दौड़ो, रुकना नहीं बस। अच्छा, अंदर खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था पूरी, ऐसा नहीं कि वहाँ भूखे बैठा है, फल वगैरह वो देते हैं, स्टाफ सब कुछ देते हैं, स्टाफ बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है, कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट ठीक है। अगर तुम कॉपरेट करोगे वो भी कर रहे हैं। फौज में तो यही होता है, फौज में तो भैया फौज में होता है, हमने फौज में जॉब करके आए हैं, वो करोगे, हम फौज में जॉब करके आए, वो कहें नीम नहीं है, ये पीपल है, तो कहना पड़ेगा। हाँ, उनसे ये नहीं करना है कि नहीं सर ये नीम है पीपल नहीं, ये नहीं कहना है, वो बैठने को बोल दे बैठ जाओ, वो लेटने को बोल दे लेट जाओ, बस। बाकी आपका मेडिकल कल होगा? कल होगा, ठीक है भैया। तो देखो, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, बाकी मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप भैया लोगों का मेडिकल कल होगा तो हम कल लेके आएंगे। बिल्कुल।